सत चैतन्य, सत चैतन्य, आदरणीय टेकराम, एक गुप्त संत थे, गुप्त जाने या कोई ना जाने, लेकिन उनके सारे जीवन को हम देखें तो एक संत थे, चाहे गृहस्थ में थे, सबको संसार का करते हुए फिर भी परमात्मा से जुड़े हुए थे। तो आज का ये सत्संग उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए है, उनको सत्संग ही चाहिए। अंत तक वो सत्संगी रहे, अंत तक परमात्मा का भजन नहीं छोड़ा, अंत तक अपनी रहनी सहनी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने जो सत्संग में उनका स्वभाव था, उस सत्संग के रूप में ही हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जागृत है स्वयं हंस कहावे, हंस कहावे सत को पावे, जड़ कीच में वा कमल अधर में, छोड़ नीर वो ले दूध चौंच में, मुर्गा भी सूखे पंख उड़ जावे। वो तो एक मुर्गा भी की तरह से थे संसार में रहे, और यहाँ से बगैर किसी लेप के अपने धाम चले गए। मुर्गा भी देखी होगी, मुर्गाई तालाबों में रहती हैं, तैरती है तालाब में, डुबकी भी लगाती हैं, लेकिन उसके पंख इतने चिकने होते हैं कि पानी उन पर ठहर नहीं पाता, पानी का वजन उन पर बन नहीं पाता। जी चाहे वो पानी में रह लेती हैं, जी चाहे वो उड़ लेती हैं। ये तालाब की मुर्गाई होती हैं ऐसी, जो ऐसा हो वही संत होता है, संसार में रहे और यूं का तो अपना सेत वर्ण लेके चला जाए, कोई दब्बा कोई छिट्टा ना लगे। दो तीन बात उनकी देखने की हैं, ये हमें सभी ने सीखना चाहिए। खाली सत्संग से कुछ नहीं होगा, सुनने से सत्संग करना भी चाहिए। उन्होंने सत्संग सुना, सुना ही नहीं, सत्संग किया भी है। तो वो करनी के धनी थे, जब वो शरीर छोड़ के गए उस दिन भी वो सुबह उठे, स्नान किया, भजन किया और अपने टाइम पर अपना शरीर छोड़कर खुशी खुशी चले गए। वो तो संसार को पहले ही मेला कहते थे कि ये मेला है, बहुत देख लिया है, किसको सबर आता है, यहाँ रहते हुए सभी रहना चाहते हैं। कोई कोई होता है जो इसको मेला समझे, मेला समझ के इसमें रहे और जाने की तैयारी निर्भय रूप से कर ले बेलगाव होके। तो करनी करनी करते हुए वे गए हैं, इसलिए संत स्वभाव के थे, नित करनी की करनी उन्होंने नहीं छोड़ी। दूसरी बात कि नेक कमाई, गरीबी में होते हुए
उन्होंने कभी बेईमाना नहीं किया, किसी का शोषण नहीं किया, तंग रह के अपना सारा कुनबा पाल दिया, सच्चे रह के अपना सारा कुनबा पाल दिया। लोग कहते हैं ना कि घर में भक्ति कैसे करें, घर में भजन कैसे करें, उनने करके दिखा दिया। धनवान लोग तो कहते हैं हम कैसे करें, लेकिन गरीब आदमी भी ऐसा कर जाता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये कोई हमारा भाना नहीं होना चाहिए कि गृहस्थ में रहते हुए हम भजन नहीं कर सकते। वो सारा उम्र भजन करके गए, नेक नीति से अपने बच्चों को पाला, अपने घर परिवार को पाला। ये सत्संगी के भी लक्षण हैं, ये संत के भी लक्षण हैं, ये एक इंसान के भी लक्षण हैं, ये एक गुरु के भी लक्षण हैं, ये देहधारी परमात्मा के भी लक्षण हैं। ऐसा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको। ता जीवन यूँ के त्यों रहना है, यूँ के त्यों सब करना, और मुर्गा मुर्गा भी सुखे पंख उड़ जावे। वो तो उड़ गए, हमें भी ऐसा उड़ने का साहस करना चाहिए। तीसरी बात है उनकी परोपकार की। जीवन भर परोपकार करते रहे, उनकी जो पेंशन मिलती थी महीने के भीतर उसको बांट दिया करते। कोई बच्चा मिल जाए, कोई बहन उनको बस ताऊ बोल दे तो 10 रुपये निकाल के दे दे, तो महीने भर अपनी सारी तनख्वाह को, अपनी सारी पेंशन को बांट देते थे। पैसा जेब में रखते थे पर लगाव नहीं था। नहीं हुआ ऐसा तो बताओ भाई, था ना ऐसा ही? मैं तो देखता था कि जितनी भी पेंशन आती थी वो बांट देते थे। परोपकार भी उनके पास था, करनी भी उनके पास थी, नेक कमाई भी उनके पास थी, सहन शक्ति समानता सब उनके पास था। आप विचार करोगे तो ऐसा ही था, मैं तो देखता था इसलिए बताता हूँ। तुमको ऐसा ना लगा हो तो बात दूसरी है। तो ऐसे ऐसे मनुष्य कभी कभी आते हैं, बाद में जाते हैं तो पता चलता है। उनका एक बड़ा प्यारा शब्द था जो आत्मयोग को दर्शाता है कि आत्मा पर डटना बड़ा मुश्किल है, डट जा तो आनंद बतेरा। ये आत्मा को डटना एक परीक्षा है, आत्मा पर डटना आसान काम नहीं है। जो डट जाता है वही सत्संगी है, जो डट जाता है वही सतगुरु है, वही जो है संत है। आत्मा पर डटना आसान काम नहीं है। तो आत्मा पर डट जाए, ये एक शब्द था, बोलिए बाला उसको। नागर है यो तेरा, नागर है यो मेरा, इधर उधर से तिनके जोड़े चिड़िया रैण बसेरा। जन्म जन्म से लुटते आए पड़े लुटन की बाण, अब तो चलना चेत कर अवसर लग रहा जाने।
आत्म पटना मुश्किल डट जा तो आनंद भर तेरा आत्म पटना मुश्किल डट जा तो आनंद तेरा आत्म पटना है मुश्किल डट जा तो आनंद भर तेरा कदम कदम पहलाल चयावे कदम कदम पहलाल चयावे यो लाल छुटना है मुश्किल ये छुट जा तो आनंद भर तेरा यो लाल छुटना है मुश्किल ये छुट जा तो आनंद आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बतेरा मुश्किल ये डट जा तो आनंद बोड़े बोड़े कह गुस्सा आवे बोड़े बोड़े कह गुस्सा आवे यो गुस्सा रुकना है मुश्किल ये रुक जा तो तेरा यो गुस्सा रुकना है मुश्किल ये रुक जा तो आनंद तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बतेरा आ गयो मनवा दौड़े आ गयो मनवा दौड़े या तोड़े रोकनी मुश्किल है ये रुक जा तो आनंद बस तेरा या तोड़े रोकनी मुश्किल है ये रुक जा तो आनंद तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बस तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद भोग बिय छिन छिन जागे विषय भोग बिय छिन जागे बस मै करणे मुश्किल ये कर ले तो आनंद तेरा ये बस मै करणे मुश्किल ये कर ले तो आनंद बस तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बस तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बतेरा सत चेतन तो नाम पूरा सत चेतन तो नाम पूरा इसका ये जपना है मुश्किल ये जप ले तो आनंद तेरा इसका ये जपना है मुश्किल ये जप ले तो आनंद बस तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद तेरा आत्म पटना है मुश्किल ये डट जा तो आनंद बतेरा सचेतन।
ये शब्द था जिसको कई बार अपने कह के बुलवाया करते कि वो शब्द बोलो कि आत्मा डटना मुश्किल है। है तो मुश्किल, कोई डट के देखो, लेकिन जो डट जाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। कोई क्लेश, कोई दुख, कोई दवेश, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय हो नहीं सकता जो आत्मा पर डट जा। इससे पता चलता है कि वो आत्मयोगी थे। आत्मा पर डटना, उसका पालन करना, ये आत्मयोग है। हम तो कह देते हैं आत्मयोग, उनको पता नहीं था कि मैं आत्मयोग कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता था कि ये आत्मयोगी है। एक बार की बात है कि बाला बता रही थी उनकी बात कि वह सुबह सुबह खेत में जाया करते बाग में, तो रास्ते में एक आदमी मिला करता 4 बजे सुबह, और वो उनको राम राम करते, वो राम राम ना लेवे। इस तरह से 2 महीने हो गए, उन्होंने डेली राम राम करना और उसने राम राम ना लेना 2 महीने। हम में से कर सकता है कोई? हाथ उठाओ, कोई कर सकता हो तो? मुश्किल है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भरा है। उन्होंने बोलो या ना बोलो डेली राम राम करना उनको, और एक दिन राम राम बुलवा के मानने, उनसे पहले ही उनको बोल दिया कि राम राम, दोनों के राम राम शुरू हो गए। ये आत्मयोग है। एक बार किसी को कोई राम राम करे, सामने से कोई राम राम ना करे, तो आदमी आग बबूला हो जाता है कि मैंने तो राम राम किया और इन्हें राम राम ली भी नहीं, दोबारा तो क्यों करूँगा। दोबारा नहीं कर सकता कोई, लेकिन इसे ये भी पता चलता है कि वो बड़े अक्षमाशील थे, अहंकार भी नहीं था, क्योंकि बार बार राम का नाम उनको देते, वो ना लेते फिर भी करते। ये सरल सहज जीवन का एक लक्षण है, ये एक संत का लक्षण भी है। बस थोड़े में मैंने बहुत बता दिया है। ऐसी हमें भी कोशिश करनी चाहिए, सारा जीवन ग्रस्त में रह के कोई एक कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं, बहाना नहीं चलेगा। कोई करना चाहे कर सकता है, अपनी रहनी सहनी ठीक रख सकता है, भजन बंदगी कर सकता है, नेक कमाई कर सकता है, सहनशील हो सकता है। और जिसके पास सब कुछ है वो तो कर सकता है, जिसके पास ना हो उसको थोड़ी मुश्किल पड़ती है, लेकिन वो भी कर सकता है क्योंकि वो करके गए हैं, जो उदाहरण है। तो आत्मयोग की बात सामने आ गई, थोड़ी सी चर्चा कर दूं इस पर कि आत्मयोग वास्तव में क्या है। हमारे अध्यात्म में कई योग हैं, कई तरीके हैं परमात्मा से मिलने के, कई तरीके हैं। पहला तरीका है हठ योग का। हठ योग में आसन सिद्ध किया जाता है और प्राणों का व्यायाम किया जाता है, प्राणों की कसरत, प्राणों को नियंत्रण में लाया जाता है, प्राणायाम उसमें करते हैं। शरीर में जो प्राण है उसको सिद्ध किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है, उसको हुक्म में चलाया जाता है, यह हठ योग है। दूसरा आता है राजयोग। राजयोग में प्राणों के भीतर एक और तक शक्ति है, एक और ऊर्जा है। शरीर में प्राण है, प्राण में एक और चीज है, उसका नाम मन है। मन, मन की ताकत, उस मन की ताकत को, उस मन को, उस मन की शक्ति को शुद्ध करना, कंट्रोल में लाना, एकाग्रता में लाना और केंद्रित करना, माथे में समाधि में चले जाना, इसमें मन की ताकत को लिया जाता था। अब इसके आगे आता है कर्म योग।
इसमें कर्म को लिया जाता है, कर्म को शुद्ध किया जाता है, कर्म को परमात्मा को सौंप दिया जाता है कि तो ही करने वाला है, हम कुछ नहीं करने वाले। और कर्म के पीछे से वासना निकाल दी जाती है, कामना निकाल दी जाती है। इसे निष्कर्म निष्काम योग बोलते हैं कर्म का, कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, ये कर्म योग है। इससे आपके अंदर टेंशन नहीं होगी, शांत स्वरूप आपको मिल जाएगा, अपने आप में ठहरे रहोगे, कार्य करते हुए शांत रहोगे। लेकिन इससे ज्ञान नहीं होगा, आप शांत रह सकते हैं बस। इससे आगे आता है कि कर्म योग भक्ति योग। भक्ति योग में किसी की भक्ति की जाती है, इसमें भाव को शुद्ध किया जाता है, दिल को प्रेम को शुद्ध किया जाता है, किसी अपने इष्ट को समर्पित हो दिया जाता है और वो कृपा करके अपने धाम में ले जाता है, ये भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग के बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ये जान लिया जाता है कि ये सब संसार माया है, यहाँ बहुत थोड़े दिन रहना है, सब ने चले जाना है, या इसकी दौड़ धूप में मिलना जरूरी नहीं है। ये जो दिखाई देता है ये वैसे ही दिखाई देता है, ये वैसे है नहीं। जैसे ये शरीर है ये वैसे दिखाई देता है, कुछ समय आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी राख हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये है नहीं, ये वैसे दिखाई देता है, ये प्रकृति भी सारी ऐसे ही ये दिखाई देती है, वैसे ये है नहीं। ये ज्ञान योग है, इस ज्ञान योग से लगाव नहीं रहता, ये ज्ञान योग है। इसके ऊपर भी योग आते हैं, जैसे सूरत शब्द योग है। सूरत शब्द योग का अर्थ है ये संत मार्ग में प्रकट है। सूरत शब्द योग हमारे अंदर एक धुन हो रही है, हमारे अंदर एक आवाज़ हो रही है, एक धुनकार है सिर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। उस धुन से, उस आवाज़ से, उस शब्द से सूरत का योग, आत्मा का योग, ये सूरत शब्द योग कहलाता है। इससे आदमी को भीतर ठहरने में मदद मिलती है और इसका आकर्षण होता है तो अंदर चला जाता है, अंत में शब्द में समा जाता है। इसमें भी आदमी शब्द में समा जाता हो, खुद में नहीं समाता। इससे आगे है निवृत्ति योग। निवृत्ति योग यानी कि कोई वृत्ति नहीं होती, उसमें कुछ करना नहीं होता, केवल हमने जो है वृत्ति रहित हो जाना है। कोई वृत्ति नहीं चलानी, कोई मन ही नहीं चलाना, कोई कामना वासना ही चलाना, कुछ ध्यान भजन सुमन करना ही नहीं है, बस शून्य हो जाओ, अपने आप में ठहरे रहो, ये निवृत्ति योग है। ये जैसे महात्मा बुद्ध या अन्य ऐसे महात्मा ने इसको अपनाया है। लेकिन ऐसे जो निवृत्ति योग से है, आपके अंदर आंतरिक शक्तियाँ पैदा नहीं होंगी, आपके अंदर आंतरिक जो लोक है वो प्रकट नहीं होंगे, खाली आप सुनने रहो, बस सुनने ही रहोगे, शांत रह सकते हो, स्थिर रह सकते हो, आपका रास्ता खुल सकता है संसार में रहने का, ये निवृत्ति योग है। इससे आगे का जो हमने अनुभव किया है, ये मैं आपको एक थोड़ी सी नई बात बताता हूँ, जो सूरत शब्द पर या और कई इन चीज़ों पर रहते हैं, इनका साधन करते हैं, ये उनको कुछ वैसा नई चीज़ लग सकती है, लेकिन ये नई नहीं है, कभी से यही चली आ रही है। लेकिन केवल हमने पता नहीं है कि हम यही करते रहे हैं सदा से, हमने केवल पता नहीं है लेकिन करते यही रहे हैं। आत्मयोग, आत्मयोग। तो सूरत शब्द में एक बात आती है कि नाम के बारे में बताते हैं, धुन के आवाज़ के बारे में बताते हैं कि एक आवाज़ है जो वर्णात्मक है। जैसे मैं बोलता हूँ वर्णात्मक शब्द, वर्णात्मक धुन, ये मैं बोलता हूँ, इसमें वर्ण भी हैं, इसको पढ़ा भी जा सकता है, इसको लिखा भी जा सकता है, ये वर्णात्मक है, ये एक भाषा है। इसको, इस आवाज़ को हम वर्णात्मक बोल देते हैं, वर्णात्मक नाम भी बोल देते हैं इसको। इससे अंदर जाते हैं थोड़ा सा तो इस नाम के जरिए, इसके सुमरण के जरिए से हम धुन पर पहुँच जाते हैं। धुन जो हमारे अंदर होती है आवाज़, आप ध्यान करोगे तो आपको सुनाई देगी, घंटी की आवाज़ के, किंगरी की आवाज़ के, बंसी की आवाज़ के, कितनी आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, ऐसी आवाज़ भी सुनाई दे सकती हैं जिसको आप बता नहीं सकते। ऐसी आवाज़ कोई संसार में है ही नहीं,
आप तुलना कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऐसी ऐसी आवाजें आपके सिर में हो रही हैं, इसको धुनात्मक बोलते हैं। धुनात्मक शब्द ये धुन के रूप में होती है, ये भाषा नहीं है, इसमें वर्ण नहीं है, इसमें अक्षर नहीं है, ये केवल सुनाई देती है धुन के रूप में। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे भी सरक गए हैं, आगे भी थोड़ा सरक गए, एक और भी आवाज़ है, ये प्रकट आवाज है, एक धुन के रूप में आवाज है, एक और भी आवाज है, वो बताऊं तो सही रूप से प्रकट रूप से बताऊं तो आपकी आत्मा की आवाज है। इस आत्मा की आवाज से आप इनकार नहीं कर सकते, जैसे आप भाषा को इनकार नहीं कर सकते, धुन को इनकार नहीं कर सकते, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को भी इनकार नहीं कर सकते। सभी को आवाज़ आती है, सभी उसको सुनते हैं, सभी उसको पालन करते हैं। तो जो ये आत्मा की आवाज़ है ये धुनात्मक नहीं है, इसमें धुन नहीं है, इसमें वर्ण नहीं है, इसमें अक्षर नहीं है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको लिखा नहीं जा सकता, ये केवल महसूस की जा सकती है, ये व्याख्यात्मक है, व्याख्या करती है लेकिन प्रतीत नहीं होती है, आपको छूती है, आपकी अंतरात्मा कहते हो ना, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है, इसका क्या मतलब है, ये एक आवाज़ है आपके अंदर सूक्ष्म, जो न धुनात्मक है न वर्णात्मक है। हम इस आवाज़ पर चले गए धीरे धीरे खोजते खोजते कि इस धुनात्मक आवाज़ से एक और भी आवाज़ है भीतर, जो आत्मिक आवाज़ है, जो इस आत्मिक आवाज़ को प्राप्त कर लेगा, इसका पालन कर लेगा, वही आत्मा से मिल सकता है, अन्य बाहर रहेगा। ये सूक्ष्म और डायरेक्ट योग है अपनी आत्मा को सुनना, उसका पालन करना। सुनाई देती है ना ये सूक्ष्म आवाज़ सभी को, आप सड़क से जाते हैं, कोई छड़ा पड़ा है सड़क पर, आप उठा कर फेंक देते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके मन में आता है कि किसी को चुभ ना जाए, तो ये किसने बता दिया, कोई आवाज़ आपके भीतर हुई होगी जो धुनात्मक आवाज़ से थोड़ी सी गहरी है, वो आपको सुनाई दी होगी कि छड़े को भगा दे किसी को सुल चप जाएंगी, आपने हुक्म पालन किया और छड़ा भगा दिया, ये आवाज़ है कि नहीं है। थोड़ी ही देर पहले ये साजबाज अपना बैठा रहे थे, तुलसी तो ने साजबाज बैठा लिया, तुलसी कह लगा ठीक है, मनीष को प्रसन्न कर दिया, ये कौन है जो ये कहता है ठीक है, यहीं से वेद खुल सकता है सारा का सारा। कोई चीज़ जजमेंट में आती है, तुम कहते हो ठीक है, ये कौन बता रहा है आपको कि ठीक है, आपके अंतर आत्मा ही तो बता रही होगी, अंतर आवाज़ आपको बता रही होगी कि ठीक है, आपके अंदर एक तराजू है, वो तराजू तोल देती है, वो आत्मा बता देती है ठीक है कि गलत है। ये आत्मा की आवाज़ है, इस सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा की आवाज़ के साथ हमारा सीधा योग आत्म योग है। ये आत्मा से आत्मा का योग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ आत्मा की ही है, आत्मा की आवाज़ के साथ हम योग करेंगे तो आत्मा से योग हो गया, यानी कि डायरेक्ट हमारा अपने आप से ही योग हो गया। अगर हमारा डायरेक्ट हमारी आत्मा से योग हो गया, हम कोई गलती नहीं कर सकते जीवन में, न व्यवहार में कर सकते, न कोई टाल मटोल कर सकते, न किसी को धोखा दे सकते, न किसी को मार सकते, न किसी को छल सकते। एक ये छोटा सा सूत्र है आत्म अनुसरण, सुनता नहीं ठीक है, दे दे। नाना पाली तो इस आवाज के बारे में किसी का सवाल हो कि बात समझ में ना आई हो, ऐसा ना हो कि बात में महाराज जी ने पता नहीं क्या बता दिया, एक नया योग और खड़ा कर दिया, हमने खड़ा नहीं किया, ये कुदरतन है, पहले ही प्रकट नहीं हुआ, बस हम इसको थोड़ा प्रकट कर रहे हैं कि सूरत शब्द योग से आगे आत्म योग भी है। सूक्ष्म आवाज़ को सुनना है आपने अपनी अंतरात्मा का, उसका ना सुनोगे तो क्या होगा। मान लिया एक धुनात्मक आवाज़ है आपके अंदर धुन के रूप में, वो आपको ये नहीं बताएगा ये कर ले या ना कर, वो खाली धुन है,
आनंद दे सकती है, आपको ऊपर खींच सकती है, लेकिन वो धुन है जो हमारे ऊपर है वो नहीं बता सकती कि ये गलत है, ये ठीक है, ये कर ये ना कर, वो वेद रूप नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा की आवाज़ है ये उसे सूक्ष्म है, ये बताती है कि ये गलत है, ये ठीक है, ये कर ले, ये मत कर। ये धुन से इसलिए थोड़ी गहरी है, ये आत्मा की आवाज़ है। हम कहते हैं इसका पालन कर लो किसी तरह से, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में अपना जीने की जो कला है आपकी सिर्फ एक ही है कि आत्म आवाज़ को सुन लो, पालन कर लो। और जो इस आत्म आवाज़ को नहीं सुनेगा वो ध्यान भी नहीं करेगा, वो सत्संग भी नहीं सुनेगा, वो सेवा भी नहीं करेगा, उसमें अहंकार होगा, उसमें स्वार्थ होगा, वो कुछ करेगा नहीं। सत्संग सुनेगा, सत्संग करेगा नहीं। सत्संग करेगा वो जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेगा। सुबह आपको ध्यान करने का मन करता है, शरीर कहता है क्यों करता है, आलस आ जाता है, आत्मा कहती है कर ले। आत्मा की पालन नहीं करोगे ध्यान कोई करके दिखा दो मेरे को, धुन को कोई सुनकर दिखा दो मेरे को, प्रकाश को कोई देख कर दिखा दो मेरे को, कोई सेवा करके दिखा दो मेरे को, कोई प्रेम करके दिखा दो मेरे को। जो आवाज़ सुनेगा आत्मा की वही ऐसा कर सकता, अन्य नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा ऐसा आपको सत्संग में इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ अधिकारी भी हैं सुनने के, कुछ को अनुभव है कि वो चाहते हैं कुछ नया सुने हम, कुछ को ऐसे जो समझ में ना आती होंगी तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी बातें ही बताऊंगा जो समझ में आती होंगी। समझ में तो आती होंगी, मैं कोई ऐसा पेश तो है नहीं कि आपको समझ में ना आए। ये बात आपको समझ में आती है ना कि अंतरात्मा की आवाज़ भी है, वो कहती है ये कर ले वो ना कर, जगाते हैं ना तुमको और नाश्ते पर लगाते हैं ना तुमको। ये तो पशु को ही पता है, ये आपको क्यों नहीं पता होगा? ये तो जीव जंतु को ही पता है, आपको पता क्यों नहीं होगा? ये तो अनपढ़ को ही पता है, आपको क्यों नहीं पता होगा? ये तो अंग्रेजी सीखता उसको ही पता है, जो हिंदी सीखता उसको ही पता है, संस्कृत करता उसको ही पता है, सबको पता है। इस आवाज का नहीं पता हो तो मेरे को बताओ। ये कोई अटपटी चीज नहीं है कि आपको सुनाई ना दे, ये पहले ही है। आप सुमरण करो ना करो ये आपको सुनाई दे रही है, आप ध्यान करो ना करो ये आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट पहले ही सुनाई दे रही है। सत्संग में नहीं आते तो भी सुनाई दे रही है, गुरु के पास आके तो भी सुनाई दे रही है, नहीं आते तो भी सुनाई दे रही है। ये गुरु की आवाज़ है, गुरु की आवाज़ है, पहचान लो इसको। ये परमात्मा की आवाज़ है, ये पूरी आवाज़ है, ये पूरा सूत्र है, ये अस्तित्व की आवाज़ है, तुमको छू रही है। सारा रहस्य छूने में है, यही आवाज आपको भीतर से छू रही है, इसलिए आप सब कुछ कर रहे हैं। ये आपकी भाषा है, ये आत्मा की जो आवाज है ये आपकी भाषा है, आपको ही बोले जाने वाली। ये आपकी अंदरूनी भाषा है जो आपको बोले जानी है, आप ही अपनी भाषा अपने को बोलते हो। ये आत्म आवाज है, ये और किसी की आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है जो आप ही बोलते हो अपने लिए। आपने इसको पहचान लेना चाहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सत्संग का निचोड़ बता रहा हूं मैं कि एक सत्संग हो तो ऐसे होंगे आगे इस चलेंगे नहीं, सत्संग नए रूप में चलेंगे। ये हमारा जो अध्यात्म है ये परिवर्तनशील होगा तो ही काम चलेगा। एक और छोटा उदाहरण दूं मैं आपको, यहूदी धर्म, इस योग को समझाने की बात बताता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको कुछ थोप रहा हो, मैं ठीक से बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। आप इनकार नहीं कर सकते, अब तो कर नहीं सकते, बाद में अगर अनुसरण करोगे तो भी नहीं कर सकते इनकार। चाहे कहीं किताब में लिखी हो चाहे ना लिखी हो ये बात, चाहे शास्त्र में लिखी हो चाहे ना लिखी हो, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। ये इसी की यही तो खासियत है, आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये सुनाई देगी, आपको कहेगी ठीक है। तो यहूदी धर्म हुआ, यहूदी धर्म आज से लगभग 4000 साल पुराना धर्म है। इब्राहिम संत ने इसकी स्थापना की थी, इब्राहिम। ये ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इसी के अंदर से निकले हैं, ईसाई धर्म भी इस्लाम धर्म भी इसी के अंदर से निकले हैं। कहते जो इब्राहिम था, जो महात्मा था, परमात्मा उसको सिद्धम सिद्ध बात करता था। कहते हैं कि परमात्मा इब्राहिम का दोस्त था। अब ये बातें कुछ और हैं, ऐसा तो कोई परमात्मा होता ही नहीं जो व्यक्ति के रूप में हो,
परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब कुछ के रूप में है, लेकिन उस धर्म में लिख रहा क्या है कि एक आदमी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, जैसे कोई भूत आकर के बात करता, इस तरह से कोई देवता होगा, कोई चोर को होगा, वो उनसे बात करता था, कहता था कि मैं परमात्मा हूँ। तो इस तरह से कोई देवता, कोई और कोई इष्ट उनकी बातें करता था, इसको वो दोस्त कहता था, दोस्त की तरह से बातें करता है। जैसे किसी को ओपरा हो जाए, वो कहते मेरे को भूतनी ऐसी बोलती है, भूत ऐसा बोलता है, पितर ऐसा बोलता है, देवता ऐसा बोलता है। ये जो साधना करते हैं, ये जो होते हैं ना दूसरी किस्म की रिद्धियाँ सिद्धियाँ, इनमें ये आ जाती हैं कि दोस्त की तरह से शक्तियाँ बातें करेंगी, ऐसे करेंगी जैसे टेलीफोन का कोई कान में सूचना आ जाए, कान में सुनाई, देख मक्खी सी बोलती, रो सब बता दे, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ये आवाज़ें आती हैं। तो इब्राहिम को ऐसी आवाज़ आती थी जैसे उसके मित्र की आती थी, वो दिखाई भी देता था, उसको कहता था कि मैं परमात्मा हूँ, उसका दोस्त ये कहता था कि मैं परमात्मा हूँ। तो उसने कहा कि मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ, कि ले लो परीक्षा। इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए जो भी उसका दोस्त था, जिस जो परमात्मा बोलते हैं उसका दोस्त था परमात्मा, तो उसने कहा कि तुम अपनी ऐसी चीज़ दान कर दे, ऐसी चीज़ की बलि कर दे जो सबसे प्यारी हो, ऐसी चीज की बलि कर दे जो सबसे प्यारी हो तेरी। अब कौन करेगा, सबसे प्यारी चीज तो बचाते हैं लोग, जो थोड़ी सी कम प्यारी होती है उसकी बलि दे देते हैं। तो उसने क्या किया, उसके पास भेड़ थी, बकरियां थी, पशु थे, 3-4 दिन तक वो भेड़ बकरियां पशु जीव जंतु काटता रहा, बलि चढ़ाता रहा। तो परमात्मा उसका दोस्त फिर प्रकट होया कि ये तो कबूल नहीं होगा, इनमें तो तेरी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तो तेरे को सबसे प्यारी हो। कहने लगा फिर सबसे प्यारी क्या है, कि तेरा लड़का। अब लड़का ही होता है ना प्यारा, पशु से तो प्यारा ही होता होगा, पड़ोसी से प्यारा होता होगा, अपनी पत्नी से भी प्यारा होता होगा, औरत क्या कहूँ, अपने बाप से भी प्यारा होता होगा बेटा। तो वो बेटा जो है उसे बहुत प्यारा था, उन्हें सोचा कि अगर मैंने ये बलि नहीं किया तो मैं तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। उन्हें क्या किया, कटार उठाई, वो बच्चा लिया, निर्दोष बच्चा, और गर्दन की ओर वो कटार करी, तो कटार चला ना सका, अंदर से आवाज आ गई कि ठीक नहीं है, ये कहाँ से आ गई, ये आत्मा की ओर से आ गई, किसी की हिंसा नहीं कर सकते आप, किसी की हिंसा करने चाहें, किसी को दुख देना चाहें, किसी का दमन करना चाहें, किसी को मारना चाहें, अंदर से आवाज आ गई कि नहीं, ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसको दर्द होगा जैसे तेरे को होता है, ऐसे ही होता है, और कोई और होता और जीव जंतु होता उनको तो काट ही रहा था, ये इसके अंदर थोड़ा स्वार्थ और लगाव और ममता और मिश्रित हो गई इस आवाज के अंदर कि मत काट, ऐसा नहीं काटा जा सकता। फिर भी वो अंतर आवाज थी, फिर भी मत काट, ये काटा नहीं जा सकता, कैसे काटेगा तो इसको अपने बच्चे। तो उसने क्या किया, अपनी पट्टी पर, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांध के उसके काटने लगा, उसका दोष प्रकट हो गया कि भी रहने दे, अपने बच्चे को मत काट, तेरी परीक्षा हो ली, लेकिन बच्चे के स्थान पर मीढ़ा दे सकता है, बकरा दे सकता है। यह बकरी ईद चलती है ना इस्लाम धर्म में, ये इसी वजह से चलती है कि उन्हें बेटे की बलि देनी थी तो उसके स्थान पर बकरे की बलि दे दी। अब बकरे की बलि इसलिए दे रहे हैं कि बेटे की बलि के स्थान पर, लेकिन बात यह है कि वो पट्टी, ये पट्टी जो है हम आत्मा की आवाज पर बांध देते हैं, आत्मा आवाज देती है, हम इसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, स्वार्थ की बांध देते हैं, अहंकार की बांध देते हैं, हम वो आज को सुनते नहीं, उसका दमन करते हैं, वापिस कर देते हैं, हम अपने कानों पर पट्टी बांध लेते हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, हम वो आवाज का दमन कर देते हैं कि इसको मत मार, पट्टी बांध लेके मार, स्वार्थ के अहंकार की पट्टी बांध लेके मार दिया, पट्टी नहीं बांधता तो वो नहीं मार सकता था, उसकी अंतर आत्मा उसको बचा लेती, मार ही नहीं सकता था। आप पट्टी बांध के ही उल्टे काम कर सकते हो, बगैर पट्टी के उल्टे काम कर ही नहीं सकते, ये आत्मयोग है, समझते हो ना इन बातों को, ये आत्मयोग है, इसको आप जानो या ना जानो मैं स्पष्ट बताता हूं, कह नहीं सी जो कह दी, पर्दा कुछ रखा ना, जो भी कुछ जाने नहीं तो परमार्थ उसका नाम, मैं स्पष्ट कह देता हूं, मानो
या ना मानो, हम स्पष्ट बोल देता हूं, कोई ना माने तो परमार्थ उसका ना, उसको परमार्थ हाथ नहीं लग सकता। जो अंतर आत्मा की आवाज नहीं मानेगा उसको परमार्थ हासिल हो ही नहीं सकता। कितने भी चरण धो धो के पियो गुरु के, परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाए, आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तो नहीं होगा काम। आत्मा की आवाज सुनोगे तो ही प्रकट होगा गुरु, आत्मा की आवाज प्रकट हो सुनोगे तो ही परमात्मा होगा। आत्मा की आवाज ये मूल वस्तु, मूल सूत्र है, आप इसको मानो चेना मातो, छोटा सा है आत्म अनुसरण, आत्म योग। जो आत्म योग करेगा वही जो है विकास करेगा, उसी के आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। जो आत्म अनुसरण नहीं करेगा नहीं होगा। और शक्तियां प्रकट हो सकती हैं, देवी देवता प्रकट हो सकते हैं, प्रकाश भी प्रकट हो सकता है, नाद भी प्रकट हो सकता है, लेकिन स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप से योग ही नहीं है। स्वरूप से योग होगा तब जो तुम आत्मा की आवाज सुनोगे, वो आपको स्वरूप से जोड़ देगा, आप स्वरूप का प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारी आध्यात्म बहुत जड़ है, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, उसको छोड़ नहीं सकते। सदियों से 5000 साल से वही पकड़े हुए हैं। हम सत्संग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनेकों जो कुछ भी कर्म कांड कर रहे हैं, 5000 साल पहले का कर रहे हैं, उससे भी पहले का कर रहा है। कौन सी पुस्तक है जिसमें एक भी संशोधन आप कर सकते हो? कहते हैं कि इस्लाम की पुस्तक है कुरान, उसमें 14 साल के बच्चे ने संशोधन कर दिया, एक लाइन पर दीवार पर लिख दिया, थोड़ी ठीक करके लिख दी, वो गलत थी। तो क्या हुआ, इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार थे उस बच्चे को फांसी दे दी। आप भी करके देख लो, कोई गीता में कोई सुधार करके दिखा दो कोई, महाभारत में कोई सुधार करके दिखा दो कोई, नहीं कर सकते आप। रामायण में करके दिखा दो कोई, तहलका नहीं मच जाए तो आप तो बहुत पीछे पड़े हो, बहुत पीछे पड़े हो। तो आध्यात्म जड़ है, जड़ डायनामिक नहीं है, ये गतिमान नहीं है, जड़ है, जड़ नहीं विकास कर सकता। आप भी जड़ रहोगे तो आप विकास नहीं कर सकते। आप नई चीज का पालन करोगे तो खुल सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं खुल सकते, वैसे के वैसे रहोगे। यहां बैठे यहां हो, लेकिन बैठे 5000 साल पीछे हो। हम अटक जाते हैं, जिस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं हम उसको छोड़ नहीं सकते। किसी ने कुरान पकड़ ली छोड़ नहीं सकता, गीता पकड़ ली छोड़ नहीं सकता, रामायण पकड़ ली छोड़ नहीं सकता, महाभारत पकड़ लिया छोड़ नहीं सकता, लाओत्सो की वो पकड़ ली छोड़ नहीं सकता। कितने शास्त्र हैं, कितने अवतार हैं, कितनी देवती देवी देवता हैं, कितनी नाम चीज हैं प्रचलित, कोई किसी को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। नहीं छोड़ने का तो आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, कोई भी अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। नहीं छोड़ेगा तो नहीं पहुंच सकता, ये गारंटी है, चैलेंज है मेरा। नहीं छोड़ेगा तो नहीं पहुंच सकता, बाहर खड़ा रहेगा वो। इसके लिए एक और समझाने के लिए बात बताऊं मैं आपको, देहात की बात है। एक लड़की की शादी पटवारी से हो गई, तो पहले पटवारी का पद बड़ा अच्छा मानते थे, कि पटवारी को बड़ा मानते थे, जैसे सिपाही को बड़ा मानते थे, सिपाही से डरते थे, बहुत सिपाही दिख जाए लोग लुक जाया करते, छिप जाया करते, तो पटवारी का पद बहुत ऊंचा माना करते पहले, के पटवारी है ये, पटवारी लाग गया भाई, बड़ा पद मिल गया। तो उस लड़की की शादी पटवारी के साथ हो गई, तो लोगों ने सराहा कि तेरी तो शादी पटवारी के साथ होगी, ये तो बड़ा ऊंचा पद है। कहने लगे बहुत बढ़िया है, पटवारी के साथ हो गई तो ऊंचे पद के साथ मैं भी हो गई, मेरे को पटवारी ने कहेंगे, जो मास्टर की घरवाली मास्टर ने कह लाग जाए, चाहे पड्डा कक्खा भी ना हो। तो उन्हें क्या देखा, वह एक दिन पटवारी के साथ होली, जहाँ पटवारी जाता था। अब पटवारी जाता था तहसीलदार उसके गिरदौर के पास, अब उसने उसे नमस्कार किए, उसका हुक्म माना, उसका काम करा। तो उस औरत ने सोचा कि पटवारी तो कुछ नहीं है, गिरदौर है जो कुछ है, इसी बड़ा है ये, क्यों नहीं इस पटवारी को छोड़ दूं, गिरदावर के साथ हो लो, छोटे को छोड़ के बड़े के साथ कौन नहीं होना चाहेगा। उसने जो पटवारी छोड़ दिया और गिरदावर के साथ हो ली। अब गिरदावर जाता था तहसीलदार के पास, वो गिरदावर के साथ साथ तहसीलदार के पास चले गई, उसने उसको सलूट मारे तो उसका हुक्म माना, उसके जो है जो कुछ कहा सब माना। तो वो बड़ी कुर्सी पर बैठा, वो नीचे बैठा है, कहने लगे ये भी कुछ नहीं, गिरदार भी है तो तहसीलदार है जो कुछ है, छोड़ इसे भी,
गिरदा और छोड़ दिया, तहसीलदार के साथ बोले। अब तहसीलदार जाता था किसी मंदिर में, ये वैसे कहानी है लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी याद आत्म जड़ है, जड़ पत्थर है, ये विकास नहीं कर रही। हमें विकास करने की कोई विधि आनी चाहिए कि हमें एक चीज छोड़ दी दूसरी पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर नहीं आ जाती है, अगर वैज्ञानिक रूप से नहीं आ जाती है, अध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, तो हमें पकड़ लेने की हिम्मत जुटानी चाहिए, तभी विकास कर सकते हो। यही मैं समझा रहा हूं। तो जो तहसीलदार था मंदिर में जाता था, वो भी मंदिर में चली गई तहसीलदार के साथ। तहसीलदार के साथ मंदिर में चली गई तो वहाँ एक पुजारी आया, उसने फल चढ़ा दिए। वो फल ते चूहा आया और फल को लेकर भाग गया। अब मूर्ति थी वहीं पर, सारा काम था, फल चढ़ाया, उसको चूहा लेकर भाग लिया। उन्हें समझी कि ये मूर्ति भी कुछ नहीं, ये तहसीलदार भी कुछ नहीं, ये तो चूहा अच्छा इसे तो मुझे मूर्ति कुछ नहीं कर सकी। चूहे के पीछे होली, वो चूहे को पकड़ने के दौड़ी कि चूहा है जो कुछ है। आगे से बिल्ली आ गई, ये बिल्ली चूहे के पीछे भागी, तो चूल्हा चूहा उन्हें पकड़ लिया। तो उन्होंने सोचा चूहा भी कुछ नहीं, बिल्ली है जो कुछ है, तो चूहा भी छोड़ दिया बिल्ली के साथ होली। अब बिल्ली जा रही थी, पीछे पीछे उसे भागी जा रही थी कि पकड़ लूं, आगे से कुत्ता आ गया, कुत्ते ने वह बिल्ली फफेड़ दी। तुझे बिल्ली भी कुछ नहीं है, कुत्ता है जो कुछ है, बिल्ली से छोड़ कुत्ते के साथ लग। अब कुत्ते के साथ लगी, उसके पकड़ने गई तो कुत्ते ने उसको काट लिया, बड़का भर लिया उसको, उन्हें डंडा ठाक कुत्ते को मार दिया, कुत्ता गया मरे। ये बाग तो कुछ नहीं, क्या कहने लगी मैं हूं वो, तो मैं क्यों दौड़ रही हूं उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, अंत में तो मैं ही हूं। सर्वश्रेष्ठ जो हो आप हो, चाहे आप कितनी धोखा पूजी कर लो, कितने कर्म कांड कर लो, कुछ वह कर लो, अंत में आपने अपने ऊपर आना होगा, आत्मयोग आपने करना होगा। ये सार की बात बताता हूं मैं, अपने आप को संभालना होगा। नहीं संभालोगे, अपना सुधार नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है किसी चीज का भी। ये अध्यात्म हमारी में ऐसा गुण नहीं है कि आप बदल सको, बदल नहीं सकते। बदलोगे तो पता नहीं क्या क्या डर लगेगा आपने, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, गुरु नाराज ना हो जाए, शास्त्र नाराज ना हो जाए, देवी देवता नाराज ना हो जाए। अरे नाराज तो तुमने कर दिया है, जो भीतर बैठा है, जो आत्म स्वरूप में बैठा है गुरु परमात्मा, उसको नाराज कर दिया, उसकी मान ही नहीं रहे, आप तो गुरुद्रोही हो। गुरु भीतर बैठा है, आप गुरु की आवाज नहीं मान रहे उसकी, आप गुरुद्रोही हो गए क्या? नहीं हो गए। गुरु की आवाज का पालन ना करे, उसका उल्लंघन करे, उसकी नहीं सुनाते, गुरुद्रोही नहीं हो जाओगे क्या? आप मनमुख नहीं हो जाओगे? हम सभी गुरुद्रोही बैठे हैं अगर उसकी आवाज नहीं सुनते। मैं ये खटके से बात बताता हूं आपको, सब गुरुद्रोही बैठे हैं जब जो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, क्योंकि असल में वही है जो आत्मा गुरु स्वरूप वही है, वही आपको सदा से सिखाती आ रही है, अब भी वही सिखा रही है, आगे भी वही सिखाएगी। सत्संग में भी आते हैं तो उसी को सुन के आते हो, सत्संग में कुछ समझते हो उसी को समझते हो, गुरु कुछ कहता है तो उसी को उनको पालन करते हो। सीधा पालन कर नहीं सकते जब तक अंदर का हुक्म ना हो। तो यह अंदर का हुक्म, अंदर की वाणी है, ये परमात्मा की रजा है, ये गुरु की उपस्थिति है। कोई लोग कहते हैं कि महाराज ये गुरु नहीं मानते, मैं तो सभी जगह गुरु मानता हूँ। जब मैं तुम्हारे भीतर ही गुरु को मानता हूँ, मैं गुरु का खंडन कैसे करूँगा? मैं बाहर भी गुरु को मानता हूँ, यदि जो अपनी आत्मा को, आपकी आत्मा को आपसे जोड़ता हो, जो आपकी आत्मा को आपसे ना जोड़ता हो, जो आपको अपने से जोड़ता हो, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो गुरु से जोड़ता है, जो अपनी आपकी आत्मा से जोड़ता है गुरु वो है। अगर आपको बुला करके अपनी सेवा कराता, अपने पीछे लगा लेता, अपनी संगत बढ़ा लेता है, अपने को जना देता है, दुनिया में नाम फैला देता है, ये तो आपने आपका साधन बना लिया आपको अपने पीछे लगा करके, वो गुरु नहीं है, वो युक्तिवाद है, अपना विस्तारवादी है, वो विस्तार करेगा, चाहे कैसे भी कंडीशन लगा के करे, आपके ऊपर ज्ञान पर कंडीशन लगा के करे, चाहे कैसे भी करे, वो आपका अपना विस्तार करेगा, करेगा जरूर करेगा। तो गुरु तो वही है जो आपको आत्मा के साथ जोड़ दे, जो आपको तुम्हारे साथ जोड़ दे, जो तुमको तुम्हारे अंदर ही समो दे, वहां तो है गुरु। अगर ऐसे गुरु की सहायता लेनी हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे रूप में गुरु को मानते हैं,
बाकी अन्य रूप में हम गुरु नहीं मानते, वो युक्तिवाद होता है, वो अहंकार का रूप होता है, विस्तारवादी होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हम नहीं मानते। जो तुमको तुम्हारे से जोड़ेगा, जो तुमको सत्ता से जोड़ेगा, जो तुमको तुम्हारे अंदर ही डाल देगा, वहां गुरु है, उसकी सहायता ले लो। मैं कद कहता हूं कि सहायता मत लो गुरु की, लेकिन वो गुरु तो होना चाहिए। भीतर भी गुरु, बाहर भी गुरु, कहाँ नहीं है गुरु, मेरे को बता दो ना कोई कहाँ नहीं है गुरु। सच्चे रूप में देखे तो सभी जगह है। और मैं एक और बात बता दूं, अगर कोई चेतन चेला नहीं है, चेतन आदमी नहीं है, गुरु कहीं पर भी नहीं है। चाहे आप पूरे गुरु के पास ले जाओ, अगर आप चेतन नहीं हो तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु नहीं है वहां पर, क्योंकि आप चेतन नहीं हो। गुरु को अगर आपने देखना है, पूरा मिलो चाहे जैसा मिलो, अगर आप चेतन हो आपको ज्ञान होगा ही होगा। गुरु नाम है ज्ञान का, और चेला है सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना न गुरु ना शिष्य कोई, ये कबीर के शब्द हैं कि ज्ञान का नाम गुरु है और जो सीख ले उसका नाम चेला है। अब ज्ञान कहाँ नहीं है, क्या सारा मेरे ही पास है? सभी जगह है ज्ञान, तो गलती करोगे उसे भी सीख लोगे, ठोकर खाओगे उसे भी सीख लोगे। वो तुलसीदास ने अपने घरवाली से सीख लिया था, वो गया ना रात ने काम वासना भर के, उन्हें कहा कि इतनी तेरी नीत राम इतनी अरम हो चिल्ला जा सीधा वैखंड पल्ला पकड़े ना को। वहां से वापिस आ गया, गुरु बन गई उसकी घरवाली। अब कहानी है गुरु, मेरे को ये बता दो कोई के गुरु कहानी है, कहानी सीखते तुम। अगर चेतन हो तो सभी जगह सीखोगे, अगर चेतन नहीं हो तो किसी से नहीं सीख सकते। अपनी फिक्र करो, अपने अंदर जागृति लाओ, जाग जाओ। जाग गए तो सर्वत्र ज्ञान है और आप ज्ञान रूप हो। ज्ञान रूप हो बस, लेकिन करने की कमी है, कर नहीं पाते आप। करते कुछ नहीं, सोचते ज्यादा हैं, बहस ज्यादा करते हैं, याद ज्यादा करते हैं, करते कुछ नहीं, करने नहीं करते, करने के बगैर काम नहीं होगा। एक शब्द भी है इस संबंध में कि कर ले करनी क्यों बैठा है। हम थोड़ा सा और आपको दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं। कर ले करनी क्यों बैठा है, करनी से पर्दा खुलता है। कभी आगे बढ़ता कभी पीछे हटता, इतना क्यों तू डरता है। जीना मरना लाभ आने ये तो तेरा रास्ता है। कर्म तेरा करना तूने, क्यों आस किसी की करता है। तेरा रास्ता तुझसे होकर के क्यों रोड़ा खुद का बनता है। शक्ति विधि सब तेरे अंदर, नहीं मंथन अपना करता है। तू ही तो जागृत विनाशी, नहीं अटक बीच में सकता है। समझ गए, नहीं अटक बीच में सकता है। तो करनी करता रह नहीं पाता, वासा सजग में पाता है। करनी का फिर युद्ध नहीं रहता, शुद्ध चैतन्य मिल जाता है। अंत में करनी का युद्ध भी नहीं रहता, करनी करोगे तो युद्ध, लेकिन करनी होगी, उसके बाद ही करनी का संघर्ष खत्म हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। पहले कुछ पाना होगा, पाने के बाद आराम कर सकते हो, ये बात है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो शुरू से ही करनी का विरोध कर देते हैं, करनी मत करो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, करनी करनी होगी, कुछ पाना होगा तभी तो आराम करोगे। एक 14-15 साल बच्चा पढ़ता है, सर्टिफिकेट ले लेता है, तभी तो वो किसी टीचर लगेगा, तभी तो तनख्वाह मिलेगी। अगर वैसे ही घर में बैठा रहेगा मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। पहले करो फिर आराम है, नहीं करोगे तो आराम नहीं है जीवन में, करोगे तो आराम है, परिश्रम करोगे तो आराम है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो कर ले करनी क्यों बैठा है, अब इसको ले लो थोड़ा सा। करने से पर्दा हटता है। अब करनी तो जितना भी कर्म है सारी करनी है, जितना भी हम कर्म करते हैं, जितना हम काम करते हैं, मन से करते हैं कि तन से करते हैं कि भाव से करते हैं, कितने भी करते हैं, सूक्ष्म रूप से करते हैं कि प्रकट रूप से करते हैं, जितना भी करते हैं सब कर्म है, सब करनी है। लेकिन यहाँ मेरा करने का मतलब है जो तुम्हें आत्मा से जोड़े, यहाँ करने का मतलब है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ दे। जैसे सुमरण है, भजन है, ध्यान है, चिंतन है, सेवा है, प्रेम है, सत्संग है, इस प्रकार की करनी करो तुम। ये करनी करो, इस करनी से पर्दा हटता है।
समझे ना, इस करनी से पर्दा हटेगा, ये करनी नहीं करोगे तो पर्दा नहीं हटेगा। करने का और सीधा मतलब बता देता हूं, खुद पर मेहनत। करनी का और गहरा अर्थ में बता देता हूं, खुद पर मेहनत करना, अपने को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए खुद पर मेहनत करना। यहां मेरा करने से ये मतलब है, ये नहीं है कि तुम खेत में लगे रहो सारा दिन करनी होगी, तुम सारा दिन दिहाड़ी करते रहो करनी होगी, वो भी करनी है, लेकिन यहां करने का मेरा मतलब ये है, तुम अपनी तरफ जाओगे उस करनी को, मैं यहां कह रहा हूं वो करनी करो तुम, वो करनी हम करते नहीं। करने से पर्दा खुलता है। अब ये पर्दा क्या है, थोड़ी सी बोध की बात है, किसी को समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, लेकिन बताना तो होगा। कुछ को जरूरत भी है, किसी को नहीं भी है, लेकिन जो शुरू में सुनेंगे तो कम आएगा, फिर सुनेंगे तो फिर आ जाएगा। मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैं फिर भी ना सुनाऊं, कि समझ में नहीं आता है तो भी सुनाऊंगा, आता हो या ना आता हो, किसी को तो आता होगा। हमें क्यों अपने आप को अभिव्यक्ति क्यों रोकनी है, हमारी अपनी अभिव्यक्ति हम नहीं रोक सकते। जो प्रकट होना चाह रहा है स्वरूप, उसको मैं नहीं रोक सकता। आपकी समझ में आए चाहे ना आए, हम उसको फॉलो करेंगे, हम आत्म अनुसरण करेंगे, उसको प्रकट होने देंगे। आप भी ऐसा किया करो, अपने स्वरूप को प्रकट होने दिया करो। स्वरूप जब प्रकट होगा, जब तुम अपने आप को सुनोगे, उसके साथ एक हो जाओगे, नहीं तो स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, कुछ और प्रकट हो जाएगा, जो बाहर का वो प्रकट हो जाएगा। तो पर्दा, पर्दे की बात मैं कह रहा था। पर्दे का मतलब है जिसके आर पार ना दिखाई दे, जिसके नीचे कुछ और हो वो आपको दिखाई ना दे, मोटे अर्थ में पर्दा इसी को कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान दौड़ाए तो सर्वत्र पर्दा ही पर्दा है, कैसे जाओगे इससे परे, करनी के बगैर। ये सारी प्रकृति है, ये पर्दा है, इसके अंदर चैतन्य स्वरूप है जो परमात्मा है, इसी के अंदर है, क्या आपको दिखाई देता है। इसी ब्रह्मांड के अंदर सत चैतन्य है, इसी के अंदर परमात्मा है, इसके अंदर गुरु है, इसके अंदर परम गुरु है, इसके अंदर सतपुरुष है, आपको दिखाई देता है। नहीं देता है तो क्या ये पर्दा नहीं है, ये पर्दा है, ये पर्दा है, ये पर्दा नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति भी पर्दा है, सूक्ष्म प्रकृति जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, जो ध्यान करते हैं उनको सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति के मंडल दिखाई देते हैं, तारे चांद दिखाई देते हैं, पर्वत झील नजर आते हैं, ये सागर नजर आते हैं, न जाने क्या क्या नजर आ जाता है, आकाश के आकाश दिखाई देते हैं अंदर, तो वो सूक्ष्म प्रकृति है, वो भी पर्दा है। चैतन्य जो परमात्मा है वो उससे भी गहरे है, आत्मा जो आपके वो उससे भी गहरे है। आपने सूक्ष्म प्रकृति को भी भेदना पड़ेगा। जो अंदर नजारे देखते हो वो निजारों अटक गए तो तुम उसको कैसे देखोगे, जो निजारों का माता पिता है, निजारों का जो माता पिता है उसको कैसे देखोगे। निजारे में उलझ गए, सूक्ष्म प्रकृति में उलझ गए, तो सूक्ष्म प्रकृति भी एक पर्दा है, उससे भी परे एक और पर्दा है प्रकृति का, उसको अव्यक्त प्रकृति बोलते हैं, अव्यक्त प्रकृति। लोगों ने उसको कईयों ने परमात्मा ही मान लिया है, निराकार ही मान लिया है, लेकिन प्रकृति का ही एक ऐसा रूप है जो आपको दिखाई नहीं देता, उसको कारण प्रकृति बोलते हैं। वो कारण प्रकृति भी पर्दा है, उससे भी पलटोगे तो चैतन्य का बोध होगा, वो पर्दा है, जब तक कैसे बोध होगा। हम ये पर्दे की बातें बता रहे हूँ, करनी नहीं करोगे जब तक इस प्रकृति को पार नहीं कर सकते। जो इस स्थूल प्रकृति में, जो इस सूक्ष्म प्रकृति में, जो कारण प्रकृति में, जो आत्मा परमात्मा छिपा है, जो सतगुरु छिपा है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते अगर इसको नहीं छेदोगे तुम, और करने के बगैर ये छेदा नहीं जा सकता। ध्यान करने वालों को सूक्ष्म प्रकृति नजर आने लग जाती है, और आगे जाएंगे तो अव्यक्त प्रकृति आ जाती है, उससे आगे जाओगे तो खुद पर पलटना होगा, खुद पर पलटोगे तो काम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। स्थूल से ही पलट जाओ, सूक्ष्म में पलट जाओ, कारण से ही पलट जाओ, जो मूल है तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, उस पर पलट जाओ। उससे पहले जितना भी प्रतीत होता है कि नहीं होता है, जो आपसे बाहर है, जो आत्मा से बाहर, वो सब पर्दा है। समझ गए इतने पर्दा। अब आ जाओ अपने आप के पास। आपका शरीर पर्दा है, ये भी प्रकृति से बना है,
पर्दे को समझ लो कि पर्दा क्या है। कह तो देते हैं पर्दा पर्दा, पर्दे को समझ लो कि पर्दा क्या है। ये आपका शरीर पर्दा है, इसके अंदर आप हो चैतन्य स्वरूप में, आप इसके अंदर हो। आप शरीर में रहते हुए क्या कभी अपने आप का बोध किया है? ये शरीर एक पर्दा है, इस पर्दे को क्रॉस करोगे तो थोड़ा सा गहरे चले जाओगे। इस शरीर के अंदर प्राण है, प्राण भी एक पर्दा है। शरीर के अंदर जो शक्ति है वो प्राण है, वो भी एक पर्दा है। उस प्राण में मन है, वो मन भी एक पर्दा है। उस मन में बुद्धि है, बुद्धि भी एक पर्दा है। बुद्धि में परमानंद है, बुद्धि ना रहे, प्राण ना रहे, मन ना रहे तो परमानंद घटित होगा। अगर आप इस परमानंद के साथ लग गए, इसमें डूब गए, तो ये भी पर्दा है। इससे अव्यक्त है, परोक्ष प्रकृति है, ये आनंद से परे की अवस्था है, आपके अंदर ही है। अगर आपने उसको अपना निराकार स्वरूप मान लिया तो अव्यक्त प्रकृति में मिल गए आप, पर्दा फिर भी नहीं छेद सके। इसके साथ साथ मैं और भी कहूं, साधना में आपको कई चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जैसे प्रकाश है, नाद है और शून्यता है, अनेकों चीज हैं जो ध्यान में आपको दिखाई देंगी। अगर आप इनके साथ भी एक हो लिए ना, तो भी अपने ऊपर नहीं पलटोगे, नहीं पलटोगे तो आप वहीं जाओगे जो बाहर है। जे धुन के साथ एक हो जाओ तो बाहर रहोगे, चाहे प्रकाश के साथ एक हो जाओ बाहर रहोगे, चाहे आनंद के साथ एक हो जाओ बाहर रहोगे। उस चीज के साथ नहीं मिल सकोगे जिसका ये विस्तार है। नाद है, प्रकाश है, आनंद है, शून्यता है, सब कुछ है। तुम्हारे चित्त नापेगा ये प्रकाश है, चित्त नाके की व्याख्या है, ये इसका ही विस्तार है। विस्तार में रहोगे कि उसमें जाओगे जो केंद्र है, केंद्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तो इस पर्दे को करने नहीं करोगे तो कैसे जाओगे अपनी आत्मा तक? नहीं जा सकते। और जो जितना ये मैंने पर्दा बता दिया आपको, अहंकार इसी के कारण है, स्वार्थ इसी के कारण है। जब तक ये पर्दा नहीं गिरेगा, आकार प्रकार नहीं गिरेगा, आकार प्रकार नहीं गिरेगा, तो आपका स्वार्थ भी नहीं गिरेगा, आपका अहंकार भी नहीं गिरेगा। अहंकार का गिरना, स्वार्थ का गिरना, इसका ये अर्थ है इस पर्दे से परे चले जाना। इस पर्दे से परे नहीं जाओगे तो आपका अहंकार गिर नहीं सकता, आपका स्वार्थ गिर नहीं सकता। और इसका आधार है करनी। करनी के बगैर इस पर्दे से परे नहीं जाओगे, करनी के बगैर अहंकार खत्म नहीं होगा, करनी के बगैर स्वार्थ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी तो खत्म नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं, एक गाड़ी है, गाड़ी के पहिए अलग कर दो, सीट अलग कर दो, बॉडी अलग कर दो, हर एक पुर्जा पुर्जा उसका खंडा का घेर दो, गाड़ी तो नहीं रहेगी। कौन कहेगा कि यहाँ गाड़ी है? नहीं कहेगा ना। वहां एक शेष चीज बचेगी, आकाश। अब आकाश कैसे कहेगा कि मैं हूं, कि मैं ये करता हूं? आकाश किसका स्वार्थ करेगा? ये तो सारा तो स्वार्थ इसलिए करते हो ना, आप ढांचे में फिट हो। अहंकार तो इसलिए करते हो, आप ढांचे में फिट हो, समझते हो ना। आपका शरीर गिरा दिया, आपका प्राण गिरा दिया, आपकी बुद्धि गिरा दी, आपका मन गिरा दिया, आपका आनंद गिरा दिया, हमने आपका सब कुछ गिरा दिया। शेष क्या रहेगा? शून्य रहेगा, निराकार रहेगा। अब ये सब गिरा दिया तो निराकार रहेगा, और निराकार कैसे कहेगा, कैसे अहंकार करेगा? वो तो अहंकार इसलिए कर रहा है कि आपने कुछ नहीं गिराया है, आप आकार प्रकार के साथ एक हैं। आकार प्रकार करके आप अपने आप को देखते हो, इसलिए मैं कहते हो अपने आप को। तो ये आकार प्रकार जब तक नहीं गिरेगा, आप स्वार्थ अहंकार कुछ नहीं गिरेगा, तो पर्दे से परे जाना एक बहुत बड़ा काम है। यो ना सोचो कि ये छोटा काम है, इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। फकीरों ने, साधुओं ने, संतों ने 20-20 साल खूटियों के बाल बंद बंद के साधना करी है। जब वो इस तरह परे गए हैं, जब उन्हें बात बताई है, और आप कहते हो कि ऐसे 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 कर लोगे, साधना कर लो, रेगुलर कर लो, डेली कर लो, ठीक है ना, डेली कर लो, पर्दा हट भी जाएगा। पर्दा हटाना है आपने, एक उदाहरण के तौर पर, समझाने के तौर पर मैं सही तरीके में आता हूं, कैसे समझाऊं सरल तरीके से। एक बीज होता है, बीज बीज होता है ना, किसी चीज का बीज होता है, उसके ऊपर एक खोल होता है। जब तक वो खोल नहीं हट जाता, वो पेड़ नहीं बन सकता।
तो बीज ने जब तक भी अपने स्वरूप तक पहुंचना है, जब तक अपने पूरे रूप तक पहुंचना है, उसने उसके ऊपर जो खोल है वो भेदना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। और वो कब हटता है, वो खोल कब हटता है, वैसे नहीं हट जाता वो। आप सोचोगे वैसे ही वो से लातमा मार देता है, वो हट जाता है, टूट जाता है बीज, ऐसे नहीं हटता वो खोल। बीज जो है खुराक लेनी शुरू करता है, बीज खुराक लेनी शुरू करता है, खुराक लेने से वो थोड़ा फूलने लग जाता है, फूलने लग जाता है तो वो जो उसका खोखा मैं बता रहा था खोल, वो टूट जाता है। क्यों टूट गया भाई, वो खुराक लेने की वजह से। अगर बीज जो है खुराक ना ले तो वो खोल नहीं टूटेगा, क्योंकि बीज बड़ा नहीं होगा तो खोल टूट कैसे जाएगा, और बीज बड़ा होगा खुराक लेने से। ये आप पर बात है, ये लागू, ये खोल आप पर भी है, अहंकार का, स्वार्थ का। आप ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, अंदर की ऊर्जा, अंदर का बोध, अंदर का ज्ञान आपके अंदर नहीं आओगा, आप अंदर से विशाल नहीं हो जाओगे तो ये छोटा अहंकार टूट कैसे जाएगा। अहंकार टूटने की शर्त यह है कि आप अहंकार से बड़ा होना होगा, अहंकार से बड़ा होना होगा, चैतन्य स्वरूप में जाना होगा तो टूट जाएगा। तोड़ना से नहीं टूटेगा, करने से टूटेगा, अंदर की खुराक लेने से, अंदर का ज्ञान लेने से टूटेगा। ये बात आ गई ना समझ में, कि खुराक लोगे तो रूपांतरण होगा, खुराक नहीं लोगे तो रूपांतरण नहीं होगा। तुम्हारी आदतें यूं की तुम पड़ी रहेंगी। मेरे कहने से जिसके पास नाम है, विधि है, वो अपना ध्यान कर लिया करो। दूसरा आधारण मटके का ले लो आप, दूसरा आधारण मटके का। अब मटका होता है, मटके के ऊपर ढक्कन भी होता है, और उस मटके के अंदर आकाश भी होता है, होता है ना आकाश भी उसके अंदर, मटका होता है उस पर ढक्कन होता है, उसके अंदर आकाश भी होता है। वही आकाश उसके अंदर होता है जो मटके में होता है, लेकिन एक ढक्कन बीच में होता है। किसी तरह से ये ढक्कन हट जाए, जब तक ये ढक्कन नहीं हटता, मटके में जो आकाश है, शरीर में जो आत्मा है, यूं कह लो मटके में जो आकाश है, वह अपने आप को औरों से अलग समझेगा, वो परमात्मा से भी अलग समझेगा, उसका अहंकार जावेगा नहीं, वो पृथक समझेगा, दूसरों से पृथक समझेगा, उसका परमात्मा के साथ एकपन नहीं होगा। अगर किसी तरह से वो ढक्कन हट जाए तो क्या मटके के भीतर के आकाश में और बाहर के आकाश में कोई भेद खड़ा कर सकता है? ढक्कन हटा दो बस, जो बाहर है वही मटके में है, जो मटके में वही बाहर है, ये समझ लो आप। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान आपने पाना है तो इस अहंकार रूपी ढक्कन को हटाना होगा। ये ढक्कन ही आपको सेपरेट किए हुआ है, ये आपको तंग किए हुए, आपको स्वार्थी बनाया हुआ है, सारा कलेश सब उद्रव इसी के कारण है। एक बार की तरह से ढक्कन को हटा दो, मटके का जो आकाश है बाहर के आकाश से भिन्न नहीं है, एकम एक हो जाओगे, फिर आप तो असीम हो जाओगे। मटके के अंदर से देखोगे तो आकाश असीम पड़ा है, अगर ढक्कन होगा तो देखते रहो ऊपर क्या दिखेगा। आपने मान लो कि हम तो इतने हैं जितने मटके में हैं, जितने मटके में हैं, इसका नाम जीवात्मा है। आत्मा होना है तो ढक्कन को हटा दो, भीतर का आकाश बाहर का आकाश एक हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी आप करनी कर लिया करो, करनी पर बड़ा जोर है, समझे ना, करनी करो और डायनामिक होके करो। हर एक जो नई चीज आपको मिलो धारण करके करो, कुछ नहीं आपका जाएगा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, केवल आपका एक नुकसान होगा, आपका जो अंधकार है, जो अज्ञान है वो जाता रहेगा, जो पर्दा है वो जाता रहेगा, अगर आप नए को पकड़ सको। नहीं पकड़ो तो यूं कहते हो ढक्कन, यूं कहते हो ढक्कन को हटा दो, मार दो उसको पछंडा, बस ये ढक्कन हटाना है। सारी याद आत्म का यही अर्थ है, एक बार ये ढक्कन हट जाए तो इसके पीछे करनी है, कृपा करने की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना, कृपा करने की कर तुझ पे। अगर कृपा ही करनी है तो उन्हें अपने आप पर करने की कृपा कर ले, करने की कृपा कर ले, करने की कृपा जब तक नहीं करोगे आपका पार नहीं होना। आपने यूं के त्यों आए हो, यूं के त्यों चले जाओगे, कुछ कुछ घट के जाओगे। तू ही तेरा भवसागर है, तू ही तेरा पार है, तू ही तेरी नैया है, तू ही तेरा खेवन हार। डूबे बिना खुद में पड़े मझधार में मरना, सीधी बात है। तू ही तो तेरा भवसागर है, और तू ही तेरा पार है, और तू ही तेरी नैया है, और तू ही खेवन हार है। डूबे बिना खुद में मरे मरना पड़े मझधार में, जब तक खुद में ना डूबोगे तो इस संसार में भवसागर में मरोगे,
खुद में डूब गए तो पार हो गए, अगर खुद में ना डूबे तो इसी के अंदर मरोगे। खुद में डूबे तो क्या में डूबोगे आप? शरीर में डूबोगे, धन में डूबोगे, मान इज्जत में गुनोगे, तेरे मेरे में डूबोगे, बाहर डूबोगे ना, कैसे पार जाओगे? अगर आत्मा में डूब गए तो सत्य में डूब गए, सत्य में डूब गए तो असीम में डूब गए, हो गए पार। पार कहाँ होना? अपने आप में डूबना, अपने आप में डूब जाना है बस। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं, अपने आप में डूबने की बात समझ में आती नहीं। हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें और ही डुबो दे, कोई हमें स्वरूप और ही दे दे। स्वरूप है, ज्ञान है, मैं सत्य बताता हूँ, यह हस्तांतरण करने की वस्तु नहीं है। यानी कि एक हाथ दूसरे हाथ को देने की वस्तु नहीं है। जैसे मैं रुपया आपको दे सकता हूँ, ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है। कोई वस्तु मैं आपको दे सकता हूँ, स्वरूप ऐसी वस्तु नहीं है। आप अपने स्वरूप का एक कण भी दूसरे को दे सकते हो तो मेरे को बता दो, और कोई दूसरा अपने स्वरूप का एक कण भी तुमको दे सकता है तो बता दो, कोई अपना आत्म अनुभव आत्म ज्ञान एक कण भी आपको दे सकता है तो बता दो। आप दे सकते हो तो मैं तो दे सकता नहीं, तुम दे सकते हो, देख लो अपने इंक्वायरी करके, लेकिन नहीं दे सकते। आप अपना एक बोध भी नहीं दे सकते, आत्मबोध एक कण भी नहीं दे सकते। और तुम इंतजार करते हो कि कृपा कर देगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा। अरे ये लेने देने की चीज नहीं है ज्ञान और ये स्वरूप। ये तो तुम्हें उद्घाटन करना पड़ता है, अपना अपने आप को खोलना पड़ता है, तब जाके ये प्रकट होगा तुम वही तो हो। लाओगे कहां से? पहले ही वो हो जिसकी तुम इच्छा करते हो। तो केवल अपने साथ एक हो जाना है। एक शब्द भी है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे माप समाना। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। बाहर नहीं भीतर नहीं, ऊंचे नहीं नीचे नहीं, मूल तत्व तो मौजूद है और मौजूद में समाना है। कहीं आना न जाना, आपे माप समाना है। आगे ये बात समझ में पाएगा सो खोएगा, खोया सो अपना नहीं। पाना खोना कुछ नहीं, यों का तुम हो जाना है। पाएगा सो खोएगा, समझे, खोएगा सो अपना नहीं। जब ऐसी बात है, पाना खोने की तो बात ही नहीं है, बस यों का तुम हो जाना है। जैसे तुम हो वैसे ही क्यों नहीं हो जाते? वैसे ही बनके क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं अपने आप में ठहर जाते? यों का तुम हो जाना और कुछ नहीं करना, नहीं ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। जो हो तुम मौजूद हो, मौजूद तत्व हो तुम, जो मूल तत्व है मौजूद तत्व है, केवल उसमें समा जाना है। तुम्हारे से मौजूद और कौन है भाई? तुम्हारे लिए तुम्हारे से मौजूद और कोई हो तो मेरे को बताओ। तुम्हारे लिए मौजूद तुम ही हो, तुम्हारे लिए और कोई मौजूद नहीं है। ये मौजूद तत्व है, तुम ही हो। इस मौजूद में समाना और कुछ नहीं करना, न चलना न जाना है। ये मैं दूसरी बातें बताता हूँ जो समझ से बाहर भी हो सकती हैं। आप कहीं ध्यान करते हो, आकाश में उड़ते हुए देख सकते हो अपने आप को, यहाँ से वहाँ जाते हुए देख सकते हो, यहाँ बटाना से दिल्ली जाते हुए देख सकते हो। आप देखोगे मैं तो चल के आया हूँ, आपको कि कहाँ से आया? दिल्ली से आया है। लेकिन मैं कहता हूँ आना नहीं जाना नहीं। ये जो आना जाना है ये वैसे ही भासता है, आते जाते नहीं हमें। जो हमारा स्वरूप है वह स्थिर रहता है। आने जाने के थरो जो बीच में ठहरा हुआ जो किलड़ा है वो स्थिर है। जैसे पहिए में किलड़ा होता है ना, वो तो स्थिर रहता, पहिया ही तो घूमता है। ये जो किलड़ा है जो पहिए के अंदर स्थित है, हमने यही तो देखना है, यही तो पाना है। फिर तो आप देख सकते हो परिधि को। माना कि आप दिल्ली चले जाते हो गाड़ी में बैठ करके, आपको कोई पूछे कि कैसे आए, कि कितने मील चल के आए, कहोगे 100 मील चल के आया हूँ। लेकिन क्या आप चल के गए हो? थोड़ी सी सवाल है। एक गाड़ी में बैठ के दिल्ली चले गए हो, क्या आप चल के गए हो, क्या पैदल गए हो, क्या उड़ के गए हो? गाड़ी में बैठे बैठे तो दिल्ली पहुंच गए, चली तो गाड़ी है, सीधी बात है। आपको आभास हो रहा है केवल कि मैं चला हूं, आप चल नहीं रहे हो। ये आत्म स्वरूप की बातें बताता हूं। आत्म स्वरूप मौजूद है, ये चलता है ना, जाता है ना, आता है, ये तो मौजूद तत्व है। इसके साथ एक हो जाओ। जो चलना है आना जाना है ये आभास मात्र है, ये आभास मात्र है। लेकिन ये बोध जब होगा, जब थोड़ा सा अपने अंदर ठहर जाओगे, ठहर के ठहराओगे बदल, ये बात आपको महसूस नहीं हो सकती। तो कर ले करनी क्यों बैठा है, करनी से पर्दा खुलता है।
ये तो आ गया हो ना थोड़ा थोड़ा ठीक, इसके लिए आपने कुछ करना ही होगा, थोड़ा ध्यान भजन करना ही होगा, यानी कि सत्संगी बनना होगा। तेरा कर्म करना है तूने, तेरा कर्म करना है तूने, क्यों आस किसी की करता है, तेरी मंजिल तेरे से होकर, तेरी मंजिल तेरे से होकर, क्यों रोड़ा खुद का बनता है। छोटी सी बात समझने की है, मेरी करनी कौन कर सकता है, करनी से मतलब आध्यात्मिक करनी, आध्यात्मिक करने का मतलब भजन, सुमरण, ध्यान, चिंतन, ये जो मेरा काम है इसको कोई दूसरा कर सके है? आपके नाम का सुमरण मैं कर सकूं कि आपके नाम का ध्यान मैं कर सकूं? नहीं कर सकता ना। आपके नाम का चिंतन मैं कर सकूं? नहीं कर सकता ना। ये तेरा काम है तो नहीं करना होगा, क्यों आस किसी की करता है, और कोई कर ही नहीं सकता, ये आस झूठी है, कर ही नहीं सकता। तुम कहते हो कर देगा, वो कर देगा, कर नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं महात्मा लोगों के, कि महात्मा लोग कहते हैं कि तुम सेवा कर जाओ, जो हमने भजन बंदगी करी है ना, मैं थोड़ा सा तुमको दे दूंगा, जो मैंने ध्यान कराया है वो तुमको दे दूंगा, तुम 20 दिन सेवा कर जाओ आश्रम में अपने ध्यान में, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान दे दूंगा। ध्यान दिया जा सके, कभी विचार करा इस बात पे? सेवादारण कोई विचार करा इस बात का कि ध्यान दे सकता है कि मैंने कितना भी ध्यान कर रखा हो, चाहे मैं खुद परमात्मा हो गया हो, मैं ध्यान का एक कण नहीं दे सकता, अपने ध्यान का तुम्हें नहीं दे सकता, ध्यान अपने ध्यान में से ध्यान निकाल कर नहीं दे सकता। मैंने आत्मज्ञान किया वो नहीं कर सकता, मैंने सुमरण किया वो कैसे दे दूंगा अपना सुमरण आपको? आपने सुमरण अपना करना होगा, आपने अपना ध्यान करना होगा, आपने अपना चिंतन करना होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि तुम सेवा कर लो, कि तुम्हारी जो है मैं अपना ध्यान भजन अपनी कमाई जो तुमको दे दूंगा, थोड़ी देर पार लग जाओगे। झूठी बात है ये गुरु लोगों की, मैं इनको गुरु नहीं कहता, कतई नहीं कहता, चाहे आप कितनी काट करो मेरी बात में, मैं नहीं कहूंगा इनको गुरु जो इस प्रकार की बातें करते हैं। ध्यान दिया नहीं जा सकता, तेरी करनी मैं नहीं कर सकता, तेरा सुमरण मैं नहीं कर सकता, तेरा चिंतन मैं नहीं कर सकता, वो तूने ही करना होगा और कोई कर ही नहीं सकता। तो आस किसकी करता है? आस करेगा तो रोड़ा बनेगा, खुद का ही रोड़ा बनेगा। तेरी तो शक्ति विधि सब तेरे अंदर, नहीं मंथन अपना करता है, तू भी तो जागृत अविनाशी नहीं अटक बीच में सकता है। तो शक्ति और विधि सब आपके अंदर है, आप थोड़ा सा हिम्मत करो तो सब विधि, सब विचार की विधि, ध्यान की विधि, प्रेम की विधि, चिंतन की विधि, कर्म की विधि, सारा कर्म इसीलिए तो कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये विधि है। कोई ऐसा काम है जो विधि से ना करते हो आप? कोई मने ऐसा काम बता दो जो आप विधि से ना करते हो। उल्टा काम भी विधि से करते हो, उल्टा तो विधि से करोगे ही, कोई भी काम हो उल्टा हो शुद्ध उल्टा हो विधि से करोगे। ये विधि आपके अंदर है, ये विधि आपके अंदर है। कई बार मैं कहता हूं कि बच्चा थोड़ा जन्म लेता है, रोता है बच्चा जन्म लेते ही, और माँ उसको जो उठा करके अपने सतनों से लगा लेती है, और बच्चा अपना चप चप ही जाता है उनको सतनों को। ये कहां से आ गया भाई ये कर्म, ये विद्या, ये विद्या, ये विधि कहां से आ गई बच्चे के अंदर? किसने सिखाई है उसको? ये विधि कुदरतन है, लेकिन हम इतने कमजोर हैं, हम बड़ी बड़ी विधियों को अपने अंदर नहीं मानते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो उसको सतन माँ पकड़ाती है, दूध पी जाता है, गुटुर गुटुर निकाल देता है उसको। अगर बच्चे को सिखाने लगे कि दूध इस तरह से पीना, बच्चा सीख नहीं सकता अगर उसके अंदर ऑटोमेटिक वो विधि ना हो। बच्चा तुम्हारी सुनेगा नहीं कि ऐसे दूध पी, ऐसे दूध पी, बच्चे को पता ही नहीं तू क्या बोल रहा है, भूखा होगा मर जाएगा वो। अगर उसके अंदर ऑलरेडी उसका दूध पीने की विधि उसके अंदर ना हो तो वो मर जाएगा। सब विधियां आपके अंदर है। मैं वहां आश्रम में देखता हूँ पक्षियों के, पक्षियों के पेट में बच्चे आते ही वो तो आलना बनाना शुरू कर देते हैं। किसने बता दिया उनको आलना बनाना है? बताओ किसने बता दिया, बताओ भाई किसने बता दिया? ये ऑटोमेटिक सबके अंदर एक सहज ज्ञान है, लेकिन हमें आत्म अनुसरण नहीं करते। आत्म अनुसरण करें तो ये सहज ज्ञान की बात आ जाए, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम सत्ता हो, सत्ता का रूप हो, तुम सार हो, उल्टा सुल्टा आप व्याप है, तुम अद्भुत सारा है, तो अद्भुत है, सारा है, सार का सार है। इस सार पर एक बात समझा दो, मैं कैसे सार है?
तुम कहो कि हम सार कैसे हैं, हम तो छोटे छोटे आदमी हैं। आप तो कहते हो कि आप सत्ता रूप हो, मैं कहता हूँ सत्ता रूप हो, क्योंकि आप सत्ता के सार हो। सार हो कैसे हो? एक विज्ञान का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है वो? कि शरीर में उतना ही पानी है जितना सारी प्रकृति में है, उतनी ही परसेंटेज पानी की इस शरीर में है जितनी परसेंटेज सारी प्रकृति में है पानी की। यानी कि 75% पानी इस प्रकृति में है, तो 75% पानी आपके शरीर में भी है। जितना पानी 75% इस प्रकृति में है, उतना 75% आपके शरीर में भी है। यानी कि जितना जो पानी शरीर में है, जितनी परसेंटेज, उतनी परसेंटेज तुम्हारे भी शरीर में है। तो आपका शरीर प्रकृति से अलग हुआ, उतनी तो परसेंटेज उसमें है पानी की, इतनी परसेंटेज आपके शरीर में है। फर्क क्या आपका शरीर में प्रकृति में? प्रकृति में शरीर में कोई अंतर नहीं है। उतनी परसेंटेज पानी की तुम्हारे अंदर है। हार्ड मास कितना, उसमें 75% पानी है। इसमें प्रकृति में भी कितने पर्वत हैं और हैं, ऊपर खाबड़ हैं, पठार हैं, उसमें 75% पानी उसमें भी है। आप में 75%, इसमें 75%, इस आप में भी एक गिलास, इसमें भी एक गिलास। तो आप कैसे करोगे अंतर प्रकृति में और शरीर में? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आप इसी बात को थोड़ा भीतर ले जाओ कि जो आपकी आत्मा है वो भी परमात्मा का सार है, जैसे ये शरीर प्रकृति का सार है, वो भी परमात्मा का सार है, शरीर प्रकृति का सार है। आप पूरी सार हो, आपकी आत्मा भी परमात्मा की सार है, जैसे प्रकृति के सार ये शरीर है। सारा का सारा टोटल में आप वैसे नहीं हो, आगे बड़ी सत्ता हो। अगर आपका अपने आपको संभालो तो खोलो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो तो बात बन जाओगे, ठीक है ना? करनी कर लिया करो थोड़ी बहुत, करने के बगैर काम नहीं बनेगा, करनी जरूरी है। करनी नहीं करोगे तो ऐसे के रह जाओगे, करोगे तो बात बन जाओगी। तो सारा सत्य मैंने क्या समझा दिया आपको? करनी कर दिया, और इसके पहले हमने एक आत्मयोग का भी खुलासा कर दिया। आत्मयोग का खुलासा तो वहाँ से आ गया। मैं तो नहीं चाहूँगा इस प्रकार का टाइप का मैं सत्संग सुना दूँ, वहाँ से वो टेकराम से आ गया, वो हमने देखा वो तो आत्मयोगी था। तो वहाँ से आपके सामने ये आत्मयोग का प्रसंग आ गया, ये आपको मैंने बता दिया। इसमें आखिरी लाइन भी थी वो कि करनी करता रेणी पाता, वासा सजग में पाता है, करनी का फिर युद्ध ना रहता, सत्चैतन्य मिल जाता है। जो करनी करता है वो रेणी पाता है। रेणी का क्या मतलब है? अपने आप में रहना, खुद में रहने का मतलब रेणी है यहाँ। और ये बाहर का संयम है, बाहर का खान पान है, ये भी रहनी है कि ठीक ठाक से हो तो। लेकिन मैं असली मीनिंग जो ले रहा हूँ रहनी का, यही रह रहा हूँ जो अपने अंदर रहना होता है ना, इसको मैं रहनी कर रहा हूँ। कि ये रहनी किसी को मिल जाए, भीतर रहने की जो ये रहनी है ये आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। और ये करने के बगैर नहीं होगा कि आप अपने स्वरूप तक नहीं पहुँचोगे। जब तक आप करने नहीं करोगे, स्वरूप तक नहीं पहुँचो, तो रहनी नहीं मिलेगी। और वसा सजग में पाता है, ये आपकी आत्मा है, ये सजग है। ये सजग कहाँ नहीं है भाई? ये तो मेरे में भी है, ये तुलसी में भी है, ये तो सभी में है, जीव जंतु में है, प्रकृति में है। ये सजग तो, ये चेतन तो सभी जगह है, इसमें पाता है। और जो इसको पालेगा तो ठीक से, फिर करने का युद्ध नहीं रहता, फिर करनी जरूरी नहीं रहती। जब आपने कमाई कर ली है बैठ के खा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने करना होगा। ये ना कि कमाई करने से पहले बैठ जाओ कि करने की जरूरत नहीं है, कर लिया करो। कई उपदेश ऐसे आते हैं महात्माओं के, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। कमाई हो जाएगी तो फिर ठाली बैठ जाओगे, फिर क्यों करोगे तुम? बस एक बार कमाई तो कर लो, कमाई खा सकते हो, है ना? ऐसा ही फिर शुद्ध चेतन, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा, शुद्ध परमात्मा आपको मिल जाएगा। एक कबीर की 4-5 लाइन है बड़ी बढ़िया। ना मैं करमाला जपूं, ना कहूं मुख से राम, मेरा साईं में मुझे भजे, मैं करूं विश्राम। कर दिया ना काम? मजा कर दिया कति, कि ना तो मैं
हाथ से माला फेरो, कते नहीं फेरो, अन्ना मुख से राम कहूँ, राम मेरे को बजेगा और मैं करूँ विश्राम, मैं तो विश्राम करूँगा, और जब भी तो राम मेरे को बजता फिरेगा, मैंने विश्राम करना, मन करना कुछ नहीं। ये वहाँ की बात है जब कमाई कर ली हो, कह दे उससे पहले इस बात ने बना लो, ये जब की बात है जब आपने कुछ कर लिया हो, जब आपके पास कुछ हो गया हो, फिर तो कहा ना धन ने धन कमावे है, ये बात है। वो तो उन्हें धन कमा लिया, धनता होएगा कबीर साहब का आराम में करेगा वो, वो शून्य स्वरूप में चले गए हैं। अब शून्य जहाँ आ गया तो परमात्मा हमेशा रहेगा, जा ही नहीं सकता, नित नया नया उगड़ेगा, बस यही बात है, नित नया नया उगड़ेगा। और अपना विश्राम कर लिया करो, विश्राम कैसे करोगे, जो काम करोगे, काम करे ना विश्राम नहीं है, विश्राम हो गया तो परमात्मा आपके पीछे पीछे फिरेगा, कहत कबीर कबीर, ठीक है सच्चे तन्ने।